गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5F सोल्व करेंगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस एंड फाइंड द अप्रोक्सीमेट सम। बेटा राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10, 100 और 1000, ये क्वेश्चन बेटा हम पहले कर चुके हैं, लेकिन एक बार मैं आपको फिर दोबारा से बता देती हूँ कैसे करते हैं। जैसे आपको 45 का राउंड टू द नियरेस्ट टेंस निकालना है बेटा, तो क्या करना है, 10 में कितनी जीरो होती है बेटा, 10 होती है ना, तो इसका वंस प्लेस वाला जो नंबर है ना, वो यदि 5 या 5 से बड़ा है तो इसके टेंस प्लेस वाला नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा, अदरवाइज वो सेम रहेगा। यदि वो 0, 1, 2, 3 और 4 है तो 45 का राउंड टू द नियरेस्ट टेंस क्या हो जाएगा बेटा, 50 हो जाएगा। जैसे आपको दे दिया 63 का राउंड टू द नियरेस्ट टेंस निकालना है, ठीक है, वंस प्लेस वाला नंबर क्या करोगे आप, 0 बना दोगे। उसके बाद टेंस प्लेस वाला नंबर है वो वंस प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होगा या नहीं होगा, ये वंस प्लेस पे डिपेंड करेगा बेटा। यदि ये नंबर 5 से छोटा है तो वो नंबर चेंज नहीं होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। आपको दे दिया 89, इसका राउंड टू द नियरेस्ट टेंस निकालना आपको, तो वंस प्लेस को तो क्या बनाओगे बेटा आप, 0 बना दोगे। टेंस प्लेस वाला नंबर वंस प्लेस पे डिपेंड करता है कि वो चेंज होगा या नहीं होगा, तो बेटा इसमें ये 9 है, 9 5 से बड़ा है, तो 8 क्या है, 8 में 1 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बेटा आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि राउंड टू द नियरेस्ट टेंस हम कैसे निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम पहले वाली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। जैसे आपको दे दिया 45 का तो बेटा मैंने बता दिया, 63 इसका भी बता दिया, 67 ले लो आप, ठीक है, 67 का क्या होगा, वंस प्लेस को क्या बना दो आप, 0, और 6 है ये चेंज हो जाएगा, ये क्या बनेगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि ये वंस प्लेस पे जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो यही है। क्वेश्चन क्या है देखिए, राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस एंड फाइंड द अप्रोक्सीमेट सम, ठीक है। तो क्या है कि आपको नंबर दे रखे हैं, इनको ऐड करना है लेकिन राउंड टू द नियरेस्ट 10 करके। तो बेटा 48 का राउंड टू द नियरेस्ट 10 नंबर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 46 का क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि वंस प्लेस पे क्या है, 6 है, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। यहाँ 38 है तो इसका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 8 की जगह आपने 0 बनाया, और ये नंबर यदि 5 से बड़ा है तो ये चेंज हो जाएगा, इन सब को ऐड कर देंगे तो 140 आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। इसमें आगे वाला है, इसमें भी अप्रोक्सीमेट सम निकालना आपको, 37 इसका राउंड टू द नियरेस्ट टेंस क्या आएगा, 40। मैंने राउंड टू द नियरेस्ट 10 इनके जो नंबर है ना बेटा, मैंने वो लिखे हैं, ठीक है, 38 का 40 और 19 का 20, इन सभी को ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया, 100 आ गया। 36, 47 प्लस 99 अप्रोक्सीमेट सम, 36 का राउंड टू द नियरेस्ट 10 40 आएगा, 47 का बेटा राउंड टू द नियरेस्ट 10 50 आएगा, और 99 का क्या आएगा, 100 आएगा, इन सबको आप प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट बाय राउंडिंग टू द नियरेस्ट टेंस। राउंड टू द नियरेस्ट टेंस का आपको अप्रोक्सीमेट डिफरेंस निकालना है, ठीक है। इसमें भी वही है बेटा, वंस प्लेस को 0 बनाएंगे, टेंस प्लेस का नंबर वंस प्लेस पे डिपेंड करेगा, यदि वो नंबर 5 से बड़ा है तो 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 370। 199 का क्या बनेगा, 200 बनेगा, क्योंकि जब यहां 9 में 1 को प्लस करेंगे तो ये 9 प्लस 1 10 बन गया, 1 इधर कैरी होगा तो 1 यहां 2 बन जाएगा, इसलिए ये 200 बना है। मैंने इसमें 19 में ही 1 को प्लस किया तब ये 20 बना है, इसको 0 आप बना चुके थे, फिर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको, ठीक है। 189 माइनस 99 का राउंड टू द नियरेस्ट 10 बेटा 190 बनेगा, और 99 का 100 बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसके टेंस प्लेस पे 9 है, 9 में 1 को प्लस करोगे तो 10 बन जाएगा, ठीक है, इसलिए 100 बना है। 67 माइनस 67 का राउंड टू द नियरेस्ट 10 क्या बनेगा बेटा, 70, और 36 का क्या बनेगा, 40। 70 में से 40 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 30 बचेगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, जो राइट है उसको टिक करना है बेटा, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 76 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 456 आएगा, ये आप रफ में सोल्व करके देखेंगे, डायरेक्ट कोई भी बच्चा नहीं करेगा इसको, ठीक है बेटा। उसके बाद 54 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आएगा, फोर्थ ऑप्शन है, वो राइट को टिक कर देंगे आप। 33 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 264 आएगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसमें राइट है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल है, डिवाइड करना है
बिल्कुल सिंपल डिवाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 76 को 6 से डिवाइड करना है, इसमें 94 को 4 से डिवाइड करना है, और इसमें 64 को 3 से डिवाइड करना है। थैंक यू।